फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। अहिंसा परमो धर्म। 150 साल पहले एक महान शख्सियत ने इस जमीन पर कदम रखा था। अहिंसा के मार्ग पर एक लाठी के सहारे निकला यह शख्स देखते ही देखते दुनिया पर छा गया। भारत ने इस महान विभूति मोहनदास करमचंद गांधी को उपनाम दिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इस अकेले एक शख्स ने अंग्रेजी हुक्मरान को अहिंसा के सामने झुकने को बाध्य कर दिया। लेकिन आज मेरठ में एक नहीं पूरे 150 गांधी ने मार्च निकाला, मरीजों को फल बांटे और राष्ट्र को संदेश दिया कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही लोगों के दिलों को जीता जा सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की शिक्षा और दीक्षा दी, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे स्वच्छता, शांति और सेहत से जोड़कर गांधी जयंती के अवसर को एक नया स्वरूप दे दिया। महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर महावीर एजुकेशनल पार्क के छात्रों, शिक्षकों और समर्थकों ने पदयात्रा निकालकर लोगों से गांधी जी के वचनों का पालन करने का अनुरोध किया। गांधी जयंती के अवसर पर यह नज़ारा देखने लायक था, जब एक या दो नहीं बल्कि 150 स्वरूप सड़क पर उतर आए। महावीर एजुकेशनल पार्क के छात्रों ने पदयात्रा के दौरान न सिर्फ अहिंसा और सत्य का मार्ग दिखाया, बल्कि गांधी का स्वरूप धारण किए हाथों में लाठी, आंख पर चश्मा और धोती पहने जन जागरूकता कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इस पदयात्रा के माध्यम से उन्होंने जनता को स्वच्छता के लिए अग्रसर रहने का उपदेश दिया, साथ ही पॉलिथीन पर रोक लगाने के लिए हाथों में तख्तियां लिए आगे बढ़ते गए। मौके पर पहुंची हमारी संवाददाता प्रेरणा तलवार से जानते हैं कि गांधी जयंती के अवसर पर किस तरह का नजारा आज देखने को मिला। सत्य और अहिंसा की राह पर चलने वाले और देश को चलने के लिए अग्रसर होने के लिए हमेशा शिक्षा देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 150वीं जयंती है। इस पर महावीर एजुकेशनल पार्क के स्टूडेंट्स, उन्हीं के साथ साथ टीचर्स और मैनेजमेंट हेड सब लोग उतरे हैं सड़क पर महात्मा गांधी के 150 स्वरूप को लेकर। यहाँ पर हम अनुराग शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि हमेशा वो ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं, जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं, आज क्या नया गांधी जयंती पर वो लेकर आए हैं और क्या एक मैसेज वो देश देना चाहते हैं, पूछते हैं आपसे, बताइए सर। आज गांधी जी की 150वीं जयंती पर हमने एक कार्यक्रम बनाया और उसमें हमने ये किया कि हम अपने छात्रों को 150 गांधी जी के रूप में लेकर सड़क पर एक छोटी सी पदयात्रा बना रहे हैं। इससे हम अपने समाज को, अपने देश की जनता को एक मैसेज दें, एक संदेश दें कि हमें प्लास्टिक मुक्त भारत और स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। और इसी तरीके से हम एक छोटी सी पदयात्रा करेंगे और मेडिकल कॉलेज में पहुंचकर कुछ पेशेंट, रोगी जो हैं वहाँ जो एडमिट हैं, उनको हम फल वितरण भी आज 150वीं जयंती पर करेंगे। तो ये जो पदयात्रा निकाली जा रही है गांधी जी के 150 स्वरूप यहाँ पर है, यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि 150 साल हो चुके हैं, कई आज़ादी को कम से कम 72-73 साल हो चुके हैं और देश में कई बदलाव आए, क्या आप मानते हैं कि आज की दुनिया जैसा राष्ट्रपिता चाहते थे वैसी है या फिर उसको वैसी बनने के लिए विकासशील है, क्या और चेंजेस अभी आने चाहिए? हाँ, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के समय समय पर हमें प्रोग्राम देखने को मिल रहे हैं, उसी से हमें ये प्राप्ति हुई कि हम जो है एक स्वच्छ भारत का और स्वस्थ भारत का और प्लास्टिक मुक्त भारत का निर्माण की ओर हम अपना कदम बढ़ाएं। और हम जो हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं, महावीर एजुकेशनल पार्क है, उसके मेडिकल कॉलेज के, हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र छात्राएं जो हैं और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो छात्र छात्राएं हैं, उन्हीं के माध्यम से हमने एक ये प्रयास किया है कि हम आज 150वीं जयंती पर 150 गांधी जी के रूप में बच्चों को सड़क पर एक छोटी सी पदयात्रा देते हुए, पदयात्रा कराते हुए हम अपने समाज को और देश को एक मैसेज दें कि जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि स्वच्छ भारत का निर्माण हो और प्लास्टिक मुक्त भारत का निर्माण हो, जिससे हम अपने देश को, अपनी धरती को प्रदूषण मुक्त बनाएं,
इसलिए हमने ये प्रोग्राम बनाया, ये कार्यक्रम बनाया और एक छोटी सी पदयात्रा करते हुए हम अपने समाज को और देश को एक संदेश दे रहे हैं कि हम सभी मिलकर, हम सभी भारतवासी, हम देश को प्लास्टिक मुक्त बनाएं और स्वच्छ बनाएं। हम सभी ये बात जानते हैं कि बापू को सफाई बेहद पसंद थी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को देश में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और साल 2019 में 2 अक्टूबर को ही देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने की मुहिम छेड़ी गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है और आज हमारे साथ महात्मा गांधी तो मौजूद नहीं है लेकिन उनके 150 स्वरूप हमारे साथ मौजूद हैं और महात्मा गांधी की शिक्षा हमारे साथ मौजूद है। हमेशा महात्मा गांधी शिक्षा दिया करते थे सत्य और अहिंसा की राह पर चलने के लिए, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं उन्होंने गांधी जयंती पर अवसर पर, एक शुभ अवसर पर कई चीज़ें और जोड़ दी, स्वच्छता, शांति और सेहत के लिए लोगों को जागरूक किया। इसी मौके पर आज प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए स्वच्छता अभियान, ये सारे अभियान, जागरूकता अभियान जो है वो गांधी जयंती पर निकाले जा रहे हैं। इस मौके पर जो आज 150 स्वरूप गांधी जी के हमारे साथ मौजूद हैं, इस मौके पर हमारे साथ सक्षम जी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि ये जो मुहिम आपने छेड़ी है इसके लिए क्या आपके आइडियाज़ हैं, क्या एक मोटो, क्या एक विजन आप सेट करते हैं? हमारी संस्थान महावीर एजुकेशनल पार्क ने एक नारा दिया है, स्वच्छता से नाता जोड़ो, प्लास्टिक को पीछे छोड़ो। तो एक गांधी जी के सपने को पूरा करने के लिए ही हमने ये मुहिम छेड़ी है और गांधी एक सोच का नाम है। गांधी सिर्फ ना सिर्फ एक महान व्यक्ति थे बल्कि वो एक सोच है और उन्हीं के दिखाए रास्ते पर हम आगे अग्रसर रहेंगे और अपनी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूट होगा वो हम करते रहेंगे। थैंक यू। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुरकान सैफी है, मैं महावीर एजुकेशनल पार्क का शिक्षार्थी हूँ। मैं गांधी जी के सभी सौ विषयों पर मैं बहुत प्रेरणादायक हूं और मैं ये प्रतिज्ञा भी लेता हूं कि आने वाले जीवन में मैं विद्यालय के और समाज में एक नई देन देने का प्रयास करूंगा और उनकी इस सोच को कायम बरकरार रखने का प्रयत्न करूंगा और स्वच्छता का मिशन चलाता रहूंगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निशांत तोमर है, मैं महावीर एजुकेशनल पार्क का प्रशिक्षु हूँ और मेरा मानना यह है कि आज हम गांधी जी के जैसे अवधारणा अपने आप हमने धारण किए हैं, उन जैसे वस्त्र हमने, लेकिन वस्त्र धारण करने से ही एक संदेश नहीं मिलता, हमें अपने जहन में वो बातें उतारनी पड़ेंगी, उनके जो विचार थे उनको अपने जहन में हमें उतारना पड़ेगा, तभी हमारा देश मजबूत बन पाएगा। एक एक प्रत्येक नागरिक को कर्मठ एवं ईमानदार बनना पड़ेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। धन्यवाद। आपका क्या नाम? मेरा नाम प्रेम प्रकाश है, मैं बिहार से यहाँ आया हूँ और अपना BMS पढ़ाई करता हूँ महावीर आयुर्वेदिक से। मैं गांधी जी को फॉलो करता हूँ इसलिए गांधी जी सत्य और अहिंसा पे चलने वाले और ईमानदार व्यक्तित्व के थे, उन्हीं की वजह से आज हम सभी लोग मतलब फ्री हैं और मतलब स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उनका मेन मकसद यह था कि स्वच्छ भारत बने और मोदी जी का भी यही कहना है स्वच्छ भारत बने, तो उसके लिए हम लोग के अंदर एक जुनून था कि हम लोग मतलब महात्मा गांधी के दिवस पर ही हम लोग रैली निकालेंगे और 150वीं जयंती है तो 150 कम से कम हम लोग गांधी बनेंगे और अगला बार प्लानिंग रहेगा कम से कम 1500 गांधी हम लोग बने। आज गांधी जयंती के अवसर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि जहां पूरा विश्व ही शक्ति प्रदर्शन की होड़ में एक दूसरे को पछाड़ने के लिए गलत कदम उठाने का प्रयास कर रहा है, हथियारों के माध्यम से अपनी सामर्थ्यता दिखाने की कोशिश में लगा है, ऐसे में गांधी जी के विचार ही हैं जो संपूर्ण विश्व को आग में जलने से रोक सकते हैं और गांधी जी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि पहले थे। जाहिर है कि वर्तमान पीढ़ी को गांधी एवं उनके विचारों के नज़दीक लाने का सबसे बड़ा माध्यम इस तरह के कार्यक्रम ही हैं जिनके द्वारा लोगों को जागरूक किया जा सकता है। इसी के साथ हम भी यह कामना करते हैं कि आगे आने वाला समय देश की तस्वीर वैसी ही होगी जैसी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कल्पना की थी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।